जी जी बिल्कुल, मैं निर्भय जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि निर्भय जी ने इतने लोगों को बुलाया बिना किसी प्री प्लानिंग के। मैं इसके लिए निर्भय जी को सहृदय धन्यवाद दूंगा और आई हुई मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ नेटवर्क के नाम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अभी रन कर रहा है एज अ केबल नेटवर्क पे, और क्राइम कंप्लेंट हमारा राष्ट्रीय हिंदी अखबार है जो कि अभी उत्तर प्रदेश में छप रहा है, 13 साल पुराना अखबार है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे निर्भय जी जो हमारे मित्र हैं इनको सबसे पहले मैं अपना बिल्कुल हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा किया सिर्फ 2 दिन में, 24 घंटे में। सहृदय धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब बस आइडेंटिटी की एक परिचय हो जाए हम लोगों का सबका। निर्भय जी ने बोला कि परिचय करा देता हूँ आपने, तो हमने कहा कि ठीक है परिचय हो जाता है सबका। बस लोग से परिचय किया आपने? और बाकी तो सब लोगों से मिला हूँ मैं, जितने लोग भी आए हैं, केवल जी हैं हमारे और राम जी हैं और भाई नासिक से आए हुए हैं, फिरदौस जी हैं, संदीप टकसाल जी हैं, तो मैं सबसे मिला हूँ। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का चैनल है आपने बताया। जी जी, तो खासकर मुंबई में अवार्ड शो क्यों रखा गया, क्या? मुंबई में संदीप टकसाल जी हमारे स्टेट हेड हैं जो 3 साल से पोस्टेड हैं यहाँ पर, तो निर्भय जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कराता हूँ प्रोग्राम वगैरह और एक ऑफिस डाल के यहाँ भी काम चालू किया जाए। हालांकि खबरें तो यहाँ देश प्रदेश हर जगह की लग रही हैं हमारे चैनल में, लेकिन अभी पर्टिकुलर बॉम्बे से नहीं है कोई हमारा रिपोर्टर अजय स्टिंगर्स नहीं है, तो इसलिए मैंने ये अवार्ड तो रखा कि आदमी हमसे जुड़ेंगे और ये खबरें जनता तक पहुँचेंगी। ये 2016 से कंटिन्यू चल रहा है। ट्रॉफी की अगर बात करें तो ट्रॉफी में भगवान जी की भीड़ लगी हुई है, खास वजह है? जी जी, भगवान को मानता हूँ, हमारी श्रद्धा है साईं बाबा और हनुमान जी ने, तो कलयुग में इन्हीं तो लोगों को तो मैं मान रहा हूँ, हमारी श्रद्धा है इसलिए मैंने जो है इसमें नाम रखवाया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहना चाहूँगा कि मैं गया अचानक लखनऊ, हम लोग को मुलाकात हुआ और सब बारे में हमको बताया, मैं भी सोचा कि बहुत अच्छा है, और मैं 12 दिन था लखनऊ में, तो मुझे लगा कि हमारे जो बॉम्बे में लोग हैं जो मुझे जानते हैं उनको सबको इकट्ठा करके सबको सहयोग से, और हम जो चैनल का स्थापित यहाँ करें कि यहाँ सिटी में नहीं है, हर जगह है यहाँ जो भी न्यूज़ होगा हम देंगे वहाँ पे, और हम सब मिलकर और अच्छा काम करेंगे, तो हिसाब से मैंने प्रोग्राम रखा और जो भी मेरे लोग जानते थे मैं सबको बोला कि 2 दिन में सब फ़ोन से कॉन्टैक्ट, कहीं जाना आना था तो मैं गया, बात किया, सभी लोग बोला कि अपने अच्छा रख रहा है, अवार्ड में फ़ोटो खींचा है साईं बाबा का, और साईं बाबा का हर जगह एक अवार्ड समय है कि कोई साईं बाबा को यूपी बिहार में जानता नहीं था, मैं खुद यहाँ जाता था बॉम्बे से तो सीढ़ी दर्शन करके साईं बाबा का प्रसाद लेकर जाता था, पूरा यूपी बिहार में बांटता था। आज वो लोग आके साईं बाबा का दर्शन करते हैं, हमारे घर पर रुकते हैं, और साईं बाबा का चमत्कार है, जो आदमी एकदम लो थे आज हमारे गांव में सबसे टॉप हैं बिजनेसमैन और हर साल साईं बाबा दर्शन करते हैं। तो हमने बोला कि साईं बाबा से शुरुआत किया जाए कि साईं बाबा के यूपी बिहार लोग मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि यूपी बिहार के लोग देवी देवता सिर्फ दुर्गा माता शंकर जी हनुमान जी, लेकिन साईं बाबा का स्थान अगर यूपी बिहार में मिला लोग वहाँ मंदिर बनाकर पूज रहे हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात, इसलिए मैं प्रोग्राम रखा। इसके अलावा जो कार्यक्रम रखा गया है इसका लाभ कुछ मिलने वाला है आपको लगता है? मैं लाभ के लिए रखा ही नहीं हूँ, अगर लाभ कमाना तो बहुत पैसा कमा के बैठ गया होता है, जो भी लोग मुझसे जानते हैं मेरे एक से लोग जुड़े हैं किसी तो पैसा नहीं मांगा, सोशल वर्क समाज सेवा किया, इस कोरोना काल में दीदी गवाह हैं कि बम्बई से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गाड़ी से लोगों को सूरत गुजरात छोड़ा हूँ बाई रोड, किसी से पैसा नहीं लिया, और एक वीडियो भी वायरस हुआ है कि 52% कोरोना इन डॉक्टर उत्तर प्रदेश, और मैं गया था कोरोना बाद बंदर मिला घर को निकाल दिए थे, साले बीवी बच्चे रोड पर बैठा है, मॉर्निंग 4 बजे मुझे फ़ोन आया कि मैं मर जाऊँगा आखिरी बार मुलाकात कर लो, मैं गया 4 बजे मॉर्निंग अपने गाड़ी में बिठाया एंड गोरखपुर एडमिट कराया, उसमें बोली आवाज निकल रहा था, आज बंदा हंस खिल रहा है वापस डॉक्टर दवा दे रहा है, वो मुझे अभी वीडियो बनाया था साथ में, तो कोरोना काल में जितने लोगों का हेल्प किया सब किया तो उन सबका हमें आशीर्वाद मिला कि मैं उस लायक नहीं, लोग हमें इतना लायक समझ रहे हैं प्यार दे रहे हैं, और इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है, तो उसी खुशी में शामिल करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया कि सबको मालूम पड़े सब लोग दूसरों का हेल्प करें, मर जाएंगे कुछ लेकर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन किसी लिए जी के मरो तो बड़ी बात है, दूसरा जन्म अपना अच्छा होगा। थैंक यू मैडम, आपसे जानना चाहेंगे आपको आज सम्मानित किया गया है यहाँ पर। जी, मैं सुनील वर्मा जी जो हमारे मुंबई शहर में पधारे हैं, उनका उन्होंने आज हम सबका जो सत्कार किया सम्मान किया इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी, और उनका चैनल और भी तरक्की करे और भी आगे बढ़े, अभी तो एक प्रदेश में उनका नाम हुआ है, हम चाहेंगे पूरे भारतवर्ष में उनका नाम हो और पूरी दुनिया में वो अपना नाम और आगे बढ़ाए।
बस यही शुभकामनाएं दी। थैंक यू सबकी तरफ से, मेघा ने बोल दिया, बोल दिया। थैंक यू। हाँ नीलम ये जरूरी है, नीलम ये जरूरी है, आपके बगैर सब कुछ अधूरा है। बुलाइए सबको नाश्ता। सर आ रहे हैं। मैडम क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, आज आपको भी सम्मानित किया गया है यहाँ पर। हम लोग क्या शुभकामनाएं देंगे, इन्होंने इतना बड़ा शुभकामनाएं हमारे हाथ में उठा दिया है, हनुमान जी और साईं बाबा जिनके साथ वो हैं उनको हम क्या शुभकामनाएं देंगे, वो हमारे लिए बॉम्बे में शुभकामनाएं लेके आए हैं। बस इतना ही उम्मीद करती हूँ और साईं बाबा हनुमान जी श्री राम से कहती हूँ कि इनका चैनल को बहुत आगे बढ़ाए, साथ में नथू जुड़े हैं तो दोनों मिलके बॉम्बे में आगे बढ़े और हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ करें, हमारे इंडस्ट्री की न्यूज़ों को सही वाले न्यूज़ को दिखाएं, बनावटी न्यूज़ों को नहीं। तो इतना ही बस है और शुभकामनाएं तो सबने ही दिया है। सर आप क्या कहेंगे मेघना जी को? जी बिल्कुल, मेघना जी जी नीलम जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। नीलम जी ने, नीलम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखोगे जी जी। नीलम जी ने जो है बधाई दी, इसके लिए सहृदय धन्यवाद नीलम जी को, सहृदय धन्यवाद नीलम जी ने बधाई दी हमको। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा कि जब मेरा होश हुआ बॉम्बे में और इसी एरिया में बड़ा हूँ, जिस एरिया आज बैठा हूँ इस एरिया में, तो मैं रोड पे सो जाऊँ आदर्श नगर बस स्टॉपेंड लोखंडवाड़ा सर्कल और छोटे से बड़ा पूरा हमको लोखंडवाड़िया जानता है और इस एरिया आज इतना बड़ा लेन के सामने बैठा हूँ, हमें बहुत सारे ब्रेक दिए हैं कि सर बहुत सारे फिल्मों में एक्टिंग किया हूँ गुजरात एंड हर जगह जाके मलाड़ और मुझे काम देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ से बाहर, हर जगह आना जाना है, लेकिन बहुत अच्छा नेचर है और बस लेन जैसे ही लोगों को काम देते रहे और आशीर्वाद यही है कि लेकिन हाथ हमेशा हमारा सर पे रहे, उन्हीं के बल पे मैं कर भी रहा हूँ। मैं तो बहुत डर भी रहा हूँ बोलने में कि नहीं नहीं, बहुत लोगों को हिम्मत दिया तो काम हुआ, अच्छे लोगों के लिए करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे इन्होंने बताया लॉकडाउन में किया है, मेरे साथ भी जा के गाड़ी निकाल के झोपड़पट्टियों में हमने राशन बांटा है, कोई डरा नहीं है, कोई बीमारी की डर नहीं हुई है। तो अपने घर में तो इसने एक वो खोल के रखा है, छोटा सा अनाथ आश्रम, एनजीओ कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब उसके घर के हर कोने में एक बंदा आपको मिलेगा। तो जो इतना मदद करता है, इतना हेल्प करता है, तो उसकी मदद लोग खुद ब खुद करते हैं और अच्छे के साथ तो अच्छा होता ही है, आज नहीं वक्त लगता है तो होगा, नथू के साथ भी अच्छा होगा। और एक लास्ट खुशी देना चाहूँगा कि लीलम जी ने बोला कि चैनल के माध्यम से काम हो, लेकिन कुछ फिल्म का भी काम हो तो सच हमारा बात हुआ है, हम बताएंगे नहीं दिखाएंगे, वक्त आएगा तो एक फिल्म का प्लानिंग हो चुका है, दिवाली बाद हम शुरुआत करेंगे। मेरे यहाँ तक आया तो मैंने खबर नथू दे तो ज़्यादा बेटर। थैंक यू, थैंक यू, सब आए, आलू नाश्ता करिए, प्लीज़ नाश्ता करके जाइएगा।